तो इसके अलावा मैं प्रीलिम्स में ये भी डिस्कस करना चाहूँगा कि मेरी एग्जाम हॉल में क्या स्ट्रेटजी रहती थी। तो मेरी स्ट्रेटजी जनरली ये रहती थी कि मैं 3 अटेम्प्ट में अपने पेपर को कंप्लीट करूँ। पहले प्रयास में मेरा ये रहता था कि मैं जितने क्वेश्चंस मेरे को श्योर शॉट पता हैं वो मैं मार्क कर लूँ और उनके OMR में गोले भी भर लूँ। उसके बाद साथ ही साथ पहले अटेम्प्ट में मेरा ये भी प्रयास रहता था कि जिन क्वेश्चन से मेरे को श्योर है कि ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट सही ही होगा या ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट गलत ही होगा, उनको भी मैं मार्क करके और अपने ऑप्शन एलिमिनेट कर लूँ। कि मान लीजिए 4 ऑप्शन थे, मैंने कोई स्टेटमेंट बोला कि ये स्टेटमेंट मेरे अनुसार पक्का ही गलत है अपने ह्यूरिस्टिक्स से या अपने नॉलेज के बेसिस पे, तो मैं उन ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लेता था अपने क्वेश्चन पेपर में ही। एंड नाउ आई एम रिड्यूस्ड टू जस्ट 2 ऑप्शंस मे बी। तो अब मैं छोड़ देता था कि इन 2 ऑप्शंस पे मैं अगले अटेम्प्ट में डिसीजन लूंगा। फिर इस तरह से मेरा एक राउंड कंप्लीट हो जाता था, अंदाजन 1 घंटे में या 1.25 घंटे में ये राउंड कंप्लीट हो जाता था। उसके बाद अगले राउंड में फिर से 1/2 घंटे मैं दूंगा और अब मैं जिनमें 2 ऑप्शन तक पहुंच चुका था वहां पर मैं ट्राई करूंगा कि मैं अब इनके आंसर्स तक आ जाऊं, क्योंकि अब यहां पर 50% प्रोबेबिलिटी है और प्रोबेबिलिटी के लॉ के अनुसार यहां पर आप कुछ भी मारेंगे प्लस 2 और -0.66 वाले क्वेश्चंस जिस तरह की मार्किंग होती है आपका नेट पॉजिटिव ही जाना चाहिए प्रोबेबिलिटी से। तो इसलिए मैं ये सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट तो करता ही था, कुछ इंस्टिंक्ट से आ रहा हो तो वेल एंड गुड, वरना मैं रैंडमली उन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन मार के आऊंगा। और फिर 3rd राउंड में मेरा ये प्रयास रहता था कि अब मैं देखूं कि मेरे टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए हैं। मैं जनरली ये तो रहता था कि वहां पर जाकर के डिसाइड करूं बेस्ड ऑन द क्वेश्चन पेपर कि कितना टफ या इजी है, बट एक ये रहता था कि हाँ 90 के आसपास मेरे को क्वेश्चंस करने हैं, ±2 तक चल जाएगा, उससे ज्यादा मैं डिवियंस लेना नहीं चाहता था क्योंकि मेरे को पता था कि मेरी एक्यूरेसी इसी के आसपास है कि मैं इतने करूंगा तभी मैं सिलेक्शन करा पाऊंगा अपना। तो 3rd राउंड में मेरा प्रयास ही रहेगा कि अब मैं देखूं मेरे कितने क्वेश्चन हो चुके हैं और बाकी जो मेरा डिफरेंस बच रहा है वो मैं पूरा करूं ताकि मैं अपने उस रेंज में पहुंच जाऊं जहां पर मैं कंफर्टेबल फील करूंगा इस प्रीलिम्स में। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पर मेरे को 3 ऑप्शंस में डाउट होगा या कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जहां पर चारों ही ऑप्शन मेरे को नहीं पता होंगे। तो जहां चारों ही नहीं पता है वहां पर तो बिल्कुल ही छोड़ देना उसको मेरे अनुसार सही है, और जहां 3 में आपको डाउट है वहां पर भी अब आपको थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा अगर आप उस पर्टिकुलर रेंज में नहीं पहुंचे हैं जहां पर आप कंफर्टेबल हों या जहां पर आप चाहें कि मैं यहां पर अपना पेपर स्टॉप करना चाहता हूं। तो फिर मैं उन 3 ऑप्शंस में से कुछ इंस्टिंक्ट से या फिर कुछ ह्यूरिस्टिक से या फिर रैंडम तुक्के से मैं ट्राई करूंगा कि इन क्वेश्चंस को मैं अटेम्प्ट कर लूं ताकि मैं उस रेंज में पहुंच जाऊं जहां पर मेरा सेफ जोन है। इसमें मैं ये भी आप लोग को ऐड करना चाहूंगा कि मेरे को जब पहले अटेम्प्ट में मैंने खासकर 2023 का पेपर जो कि हाईली अनप्रेडिक्टेबल टाइप का पेपर था, तो इसमें जब मैं पहले राउंड में अटेम्प्ट कर रहा था 30 क्वेश्चन भी मैं नहीं कह सकता कि मेरे को शॉर्ट शॉर्ट पता था कि मेरे सही होंगे। फिर लेकिन ये एक जरूर फायदा हुआ था अपने नॉलेज और ह्यूरिस्टिक्स के बेसिस पे, खासकर जो मैंने आपको बताया था कि इस तरह से ऑब्जर्व करना है स्टेटमेंट कैसे फ्रेम कर रहा है UPSC, उनके बेसिस पे ये जरूर हो गया था कि हाँ एटलीस्ट 60 क्वेश्चन टाइप मेरे हो गए थे, 60 या 70 टाइप, जिनमें मैं श्योर था कि हाँ इन दोनों ऑप्शंस में ही से ही आंसर होना चाहिए। तो वो एक मेरे पास एडेड एडवांटेज आ गया था 1st राउंड खत्म होते होते कि मेरे को श्योर शॉट वाले तो बहुत कम पता थे लेकिन आंसर इन दोनों में से ही कुछ होना चाहिए, इस लेवल तक मैं काफी क्लोज आ गया था एटलीस्ट 60-70 क्वेश्चंस में। तो अब फिर जब मैं 3rd राउंड में अपने 2nd राउंड और 3rd राउंड में गया तो मेरे पास काम कंपैरेटिवली आसान था, ऑल्दो उन दोनों में से चूज कर पाना तब भी मुश्किल था। तो मैं वही कहना चाहूंगा कि ब्रॉडली चाहे मेरी रैंक कुछ भी आई हो बट इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट मेरी नॉलेज बेस जो कि आई वुड स्टिल से कि लिमिटेड नॉलेज बेस थी, उसके बेसिस पर पेपर सॉल्व करते टाइम हर किसी को दिक्कत होती ही है। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा रहता है और आप किस तरह से उन 2 घंटे में अंडर प्रेशर परफॉर्म कर पाते हैं वही मोस्टली डिसाइड करता है कि प्रीलिम्स में आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो ये तो रही GS की बात।